हैदराबाद गैंगरेप मर्डर के चारों आरोपियों का एनकाउंटर, पुलिस सुबह लेकर गई थी क्राइम सीन पर, चारों ने भागने की कोशिश की थी। चारों आरोपियों ने किया था पुलिस पर हमला, बंदूक छीनने की भी की थी कोशिश। हैदराबाद पुलिस थोड़ी देर में एनकाउंटर की पूरी जानकारी देगी। चारों आरोपियों के एनकाउंटर पर दिशा के पिता ने कहा, बेटी की आत्मा को शांति मिली। निर्भया की मां भी बोली, जो हुआ सही हुआ। वकील उज्जवल निकम ने उठाए पुलिस पर सवाल। हैदराबाद के बाद अब उन्नाव गैंगरेप से आग बबूला देश, जिंदा जलाई गई लड़की की सलामती के लिए पूरे देश में दुआ। संसद में आज फिर हो सकता है हंगामा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक, जिंदा जलाए जाने के बाद भागी थी 1 किलोमीटर तक। कल रात को एयरलिफ्ट करके लाया गया था दिल्ली। महिला सुरक्षा के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, देश के हर पुलिस थाने में महिला डेस्क बनाने पर काम शुरू। गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से मंजूर किए 100 करोड़ रुपए।